नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9, योग और उसके अंग। मुझे विश्वास है कि आज के पाठ का श्रवण आप हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे। बच्चों, पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अष्टांग योग आपने सुना ही होगा। इसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। इन्होंने इस पाठ में योग के 8 अंगों की चर्चा की है, जिसे मनुष्य यदि अपने जीवन में अपना ले तो चित्त के सारे दोष, सारी अशुद्धियाँ दूर हो सकती है। आइए हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। बच्चों, मैं पाठ का वाचन करती हूँ, आप एकाग्रता से श्रवण कीजिएगा। योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। यहाँ पर मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से जुड़ने या जोड़ने की बात कही गई है। ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है। योग दर्शन के सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त वृत्तियों के रोकने का नाम योग है। ये वे चित्त वृत्तियां हैं जो मनुष्य को मोह माया के बंधनों में जकड़ कर रखती है और उसे उसका सही कर्म करने से रोकती है। यदि हम योग को अपना ले तो मोह माया के बंधनों से दूर हो सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। चित्त की सारी शक्तियों को बिखरने से रोककर एकाग्र करके एक काम, एक विषय, ऑब्जेक्ट या एक बिंदु पर लगा देना योग है। मन चंचल है, भटकता है, बहता है, बहकता है, उड़ता है, बिखरता है। इसकी लहरों को रोकना वायु के वेग को रोकने के समान कठिन है। चक्षु यानी आंखें आदि इंद्रियों के माध्यम से चित्त यानी हमारा मन सांसारिक पदार्थों में भटकता रहता है। साधक जो साधना करता है, जो ध्यान धरता है, जो योग करता है, इन वृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर लगाने का प्रयत्न करता है। बाहर के विषयों से चित्त वृत्तियों को रोके रहना और फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, यह सारी प्रक्रिया योग है। देखा बच्चों, इन 2 लाइनों में सारा सार आ गया। योग से क्या होता है? योग से हमारा मन, हमारी इंद्रियां इधर उधर सांसारिक पदार्थों में भटकती नहीं है, बल्कि वह आत्मचिंतन करती है। अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़े रखने के लिए वह आत्मचिंतन करती है। योग से हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, बल्कि अपने कर्म में, अपने कार्य को करने में लगा रहता है। यह प्रक्रिया बड़ी कठिन है। रोगों से घिरा हुआ है वो मुक्त ही नहीं हो पाता। रोगों से बचने के लिए उसे ध्यान धरना होगा, योग करना होगा, लेकिन ये बड़ा कठिन कार्य है। अतः उसे पूर्णता तक ले जाने के लिए 8 सोपान, सीढ़ियाँ या पौड़ियाँ जिसे कहते हैं, यहाँ पर बताई गई है। इन 8 सोपानों को ही योग साधना के 8 अंग कहा गया है। अब इन्हें अंग क्यों कहा गया है?
जैसा कि आप जानते हैं, जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग या अव्यय एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, उसी प्रकार योग के सभी 8 सोपान एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। इसीलिए इन्हें योग के 8 अंग कहा गया है, योग साधना के 8 अंग। अब इन अंगों को अपनाने से, इन सोपानों को अपनाने से हमारे चित्त की सभी प्रकार की अशुद्धियाँ दूर होती हैं। आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, इन्हें अष्टांग योग यानी 8 प्रकार के योग भी कहा गया है। यहाँ लिखा है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आइए हम बारी बारी आज से समझ लेंगे। पहला योग का अंग है यम, उसके बाद है नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें आज सबसे पहले हम देखेंगे यम इस योग के अंग को। बच्चों, यम ये 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम से मनुष्य सिद्धियां प्राप्त करता है और अपने शरीर पर विजय भी प्राप्त करता है। सबसे पहला यम यहाँ पर दिया है अहिंसा। क्या है अहिंसा, आइए इसे समझ लेते हैं। किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख न देना, उसे किसी भी प्रकार से दुख न देना, उसे चोट न पहुंचाना, प्रताड़ित न करना, यह अहिंसा होती है। सत्य, सदा सच्चाई के मार्ग को अपनाना, प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना, ऐसी बातें बोलना जिससे किसी को परेशानी ना हो, झूठ का साथ न देना। अस्तेय, इसका अर्थ है चोरी न करना, जो अपना नहीं, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं गया, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न न करना, जो दूसरों का है उसे नहीं रखना। कक्षा 6 में आपने पाप का अन्न ये पाठ पढ़ा था, उसमें यही तो बताया गया है कि जो अपना नहीं है, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं गया है, उसे लेने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अगला यम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म अर्थात परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। बच्चों, जितने भी महान संत हो चुके हैं, जितने भी महान व्यक्ति हो चुके हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा दयानंद सरस्वती, ये जितने भी महात्मा हैं, इन्होंने भी तो ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाया और लोगों को ढोंग और पाखंड छोड़ने का संदेश भी दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो आर्य समाज का प्रचार और प्रसार किया, जिसमें उन्होंने लोगों को सच्चा मानव धर्म भी सिखाया। अगला यम है अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक जमा न करना, व्यर्थ बोझ न उठाना, अक्सर होता है ना, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में मेरा मेरा करते करते बहुत अधिक धन जमा लेता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तब क्या लेकर जाता है, कुछ भी नहीं। इसलिए अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर देना, यही योग है। योग यही तो सिखाता है, क्योंकि अंत में मनुष्य को अकेले ही जाना है, इसीलिए वह क्यों ना ऐसे कार्य करे जिसका लाभ दूसरे व्यक्तियों को हो, क्यों ना वह दूसरे लोगों की सेवा करे जिससे परमात्मा भी उसे अपना ले। बच्चों, योग के जो 8 अंग हैं, उनमें अब अगला अंग है नियम, ये भी 5 है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर और
प्रणिधान। इसमें आइए देखते हैं पहला नियम शौच। बाहर और भीतर से अपने आप को स्वच्छ, पवित्र, ईमानदार रखना। शौच का केवल एक ही अर्थ नहीं होता, मल विसर्जन। इसका अर्थ बहुत व्यापक है। अपने आप को केवल भीतर से नहीं बल्कि बाहर से भी स्वच्छ रखना है। अपने आचरण से अपने आप को स्वच्छ रखना है, पवित्र रहना है और ईमानदार रहना है। अगला नियम है संतोष। हर समय हर दशा में अपने परिश्रम से जो कुछ भी मिला है उसे स्वीकार करके प्रसन्न रहना है। दूसरों के पास जो चीज़ है वो मेरे पास नहीं, इसलिए निराश होना, छल कपट करना, चोरी करना, यह गलत बात है। नियम यही कहता है कि अपने आप को संतोषी रखिए। अगला नियम है तप। सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ आदि द्वंद्वों को एक समान होकर सहन करना। कोई भी परिस्थिति हो, आपने देखा है ना, बड़े बड़े साधु संत जो है वे सिद्धियों को प्राप्त करते हैं क्योंकि वे तप करते हैं। स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में न फंसने देना, यही तप की वजह से संभव होता है। अगला नियम है स्वाध्याय। अच्छे ग्रंथों का पढ़ना तथा आत्मनिरीक्षण करना, यह स्वाध्याय है। बच्चों, इस नियम को तो आपने इस विद्यार्थी दशा में अपनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़िए, आत्मनिरीक्षण कीजिए कि क्या उन ग्रंथों में जो अच्छी बातें बताई है वो आपके अंदर अवतरित हुई या नहीं। यदि नहीं तो उन ग्रंथों में से प्राप्त उपदेश को अपनाइए, सीख को अपनाइए और अपने जीवन को संस्कारित कीजिए। अगला नियम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर का ध्यान करना, अपने सभी कर्मों को ईश्वर अर्पण कर देना, ईश्वर की ही छाया में रहना, वही अमृत है। बुरा काम त्याग दो, अच्छे कामों का स्वीकार करो, क्योंकि यदि आप अच्छे कार्य करते हैं तो ईश्वर आप पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है। अगला अंग है आसन। आइए इसे समझ लेते हैं। पर्याप्त समय तक सुखपूर्वक शांत स्थिर एक ही आसन पर बैठे रहना। ये आसन सिद्धासन, पद्मासन, शवासन, वीरासन, सुखासन आदि है। आसनावस्था में स्वाध्याय और साधना से शांति मिलती है और शक्ति बढ़ती है। अधिकतर विद्यार्थियों का मन जो है वो चंचल है, एक जगह पर वे आसन लगाकर बैठ नहीं सकते। लेकिन बच्चों, अपने जीवन को यदि आप अच्छे मार्ग पर प्रवृत्त करना चाहते हैं तो जितने भी यहाँ पर आसन बताए हैं उनका आधार आपको लेना ही होगा। आइए अगला अंग देखते हैं, प्राणायाम। प्राणायाम से तो आप भली भांति परिचित है। पाठशाला में भी प्राणायाम के कई प्रकारों को आपने उपयोग में लाया है। श्वास की गति को अपने वश में रखना, यह प्राणायाम है। रेचक, जिसे सांस छोड़ना कहते हैं, पूरक, जिसे सांस भरना कहते हैं, और कुंभक, सांस रोकना, ये तीन इसके पहला योग का अंग है यम। उसके बाद है नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें आज सबसे पहले हम देखेंगे यम, इस योग के अंग को।
अगला योग का अंग है ध्यान। पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषयों से मन को अलग कर लेना और एक ही विषय केंद्र बिंदु पर लगाना ध्यान है। ध्यान लगाते समय आपकी इंद्रियां इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। चाहे सर्दी हो, वर्षा हो, गर्मी हो, आपको किसी भी प्रकार के मौसम का अनुभव भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होता है ध्यान। आप सही पद्धति से यदि ध्यान लगाते हैं तो योग का फायदा आपको देखने को मिल सकता है। बच्चों, अंतिम योग का अंग है आठवां अंग समाधि। मन को आत्मा सहित परमात्मा में समा देना। समाधि की अवस्था में वस्तु आत्मा या परमात्मा का यथार्थ अनुभव होता है। यह होती है आपके आनंद की अवस्था, क्योंकि आप पूरी तरह से परमात्मा में समा चुके होते हो। बच्चों, योग के इन आठ साधनों से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति बढ़ती है और हमें काम करने में कुशलता प्राप्त होती है। योग का फल है कर्म करने में कौशल। योग हमारी शक्तियों को, ज्ञानेंद्रियों को बढ़ाता है, हमें सिद्धियां प्रदान करने में मदद करता है। योग से प्रत्येक मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है और प्रत्येक कार्य करने में, कर्म करने में हमें कुशलता प्राप्त होती है। इसीलिए संस्कृत में एक सुवचन है, योगः कर्मसु कौशलम्, जिसका अर्थ है कर्मों में कुशल होना ही योग है। जो व्यक्ति रोज योग करता है वह अपने सभी कर्मों को कुशलतापूर्वक पूरा करता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ 9 योग और उसके अंग समाप्त होता है। मुझे विश्वास है इस पाठ से आपने कई अच्छी बातें सीखी होंगी और उसे आप अपने जीवन में अपनाएंगे भी। आइए, अब समय है गृह कार्य का। आज का गृह कार्य, बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, योग किसे कहते हैं? अष्टांग योग के सोपान कितने और कौन से हैं? यम कितने प्रकार के हैं? नियम कितने प्रकार के हैं? ध्यान और धारणा से क्या तात्पर्य है? बच्चों, जल्दी से इस गृह कार्य को आप अपनी कॉपी में हल कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में एक नए पाठ के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।